हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सतको ना चलन में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में अभी ज्योग्राफिकल थॉट, अभी जो सीरीज चल रहा है ज्योग्राफिकल थॉट का, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक को, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर्स को। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेकाटियस और हेरोडोटस, इन दोनों स्कॉलर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है दोनों ग्रीक स्कॉलर्स, ठीक है। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज बेसिकली डिस्कस करेंगे हेरोडोटस और हेकाटियस है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट जो स्कॉलर है वो है हेकाटियस। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। इनका लाइफ स्पैन देखिए 550 बीसी से लेकर 476 बीसी तक। इन्होंने सॉरी इन हेकाटियस जो रेसिडेंट था मिलेटस शहर का, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। और हेकाटियस एक ट्रेडर था और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इन्होंने गैदर किया करता था ग्रीक कॉलोनीज से, ठीक है, और अननोन डिस्टेंट प्लेसेस से। इन्होंने विजिट किया था न्यूमरस प्लेसेस, जैसे इजिप्ट हो गया, इजिप्ट में विजिट किया था, और फिर साउथ वेस्ट एशिया, ग्रीस, फिर सम आइलैंड्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इस ये सब जगह में इन्होंने विजिट किया था। और हेकाटियस जो था फर्स्ट प्रोज राइटर था, ठीक है, प्रोज राइटर, और इन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन शुरू करने का क्रेडिट इनको ही जाता है, ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन साहित्य का इनको जाता है। और इनका मेजर वर्क देखिए जेस पीरियड्स, जो था एक फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। जेस पीरियड्स इस बुक में इन्होंने डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया था वर्ल्ड के बारे में। इन्होंने डिस्क्राइब किया था ज्योग्राफी को, ही डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इंटू टू पार्ट्स। इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। वर्ल्ड को एक्चुअली वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने डिस्कस किया था यूरोपा मतलब यूरोप के बारे में, सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था इन्होंने लीबिया, ओके, और लीबिया जिसमें इंक्लूडेड था एशिया, इंक्लूड सॉरी अफ्रीका इंक्लूडेड एशिया, ओके। और इनका देखिए फर्स्ट, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है टू अप्रोच दिया था फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टडी के लिए इन्होंने फर्स्ट टू अप्रोच दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास कर करके बहुत इंपॉर्टेंट खास अप्रोच था, जो था देखिए ये नंबर पे नोमोथेटिक अप्रोच, लॉ मेकिंग अप्रोच, ठीक है, और एक अप्रोच दिया था इन्होंने इडियोग्राफिक अप्रोच, जो था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये लॉ मेकिंग, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव। याद रखेगा इसमें यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नोमोथेटिक अप्रोच इनका जो है किसने दिया था, ठीक है, और नोमोथेटिक अप्रोच की माने क्या है, मतलब मीन्स क्या है लॉ मेकिंग अप्रोच, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इन्होंने यूरोप और लीबिया को डिवाइड किया था हेलिस पॉइंट, यूक्रेन, ब्लैक सी, कॉकेशस माउंटेन एंड कास्पियन सी, ये सब के थ्रू, ठीक है। इन्होंने कास्पियन सी को इनलैंड सी बताया है, ठीक है, और अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, इन्होंने शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के शेप को सर्कुलर प्लेन बोला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनका मैप जो है देखिए वर्ल्ड मैप, इनका वर्ल्ड वर्ल्ड मैप जो बेस बेस किया करता था एनैक्जीमेंडर का, जो मैप था ना एनैक्जीमेंडर की मैप के ऊपर ही बेस करके इन्होंने वर्ल्ड मैप प्रिपेयर किया था, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया था इन्होंने, एक मिनट, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया था इन्होंने। जैसे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एशिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किए हैं, ठीक है, बेसिकली। और एनैक्जीमेंटर मैप, अगर आप एनैक्जीमेंटर को चेक करेंगे तो एनैक्जीमेंटर का जो मैप था उनका भी जो चारों तरफ सराउंडेड था ओशियन के थ्रू, ठीक है, और इनका भी मैप जो था ओशियन की थ्रू ही जो है सराउंडेड है, ठीक है। तो ये
आपका हो गया हेकाटियस, ठीक है, स्कॉलर। इनका की पॉइंट आप कॉपी में लिख लीजिए, इनका मेन और बुक बुक भी कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं, जेस पीरियड्स, जिसमें वो डिस्क्राइब किया था आपके बारे में सिस्टमेटिकली, और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। और एक इनका वर्क, एक छोटा वर्क था जिसका नाम था पेरिप्लस। पेरिप्लस इसका मतलब था कोस्टल सर्वे, और इन्होंने वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, यूरोपा मतलब लीबिया, सॉरी यूरोप एंड लीबिया। इन्होंने टू अप्रोचेस दिया था, एक नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच। और आर्थ के बारे में इन्होंने बोला था कि सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर प्लेन। सेकेंड स्कॉलर देखिए आज का हेरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इनका टाइमलाइन देखिए 485 बीसी से लाके 425 बीसी। इन्होंने हेरोडोटस बेसिकली हिस्टोरियन था, इसलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन मेन कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ इन्होंने ज्योग्राफी फील्ड में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। और इन्होंने बोला है कि हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्ट्रिकली, मतलब हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली ट्रीट करना चाहिए और ज्योग्राफी को ट्रीट करना चाहिए हिस्टोरिकली, ठीक है। और हेरोडोटस जो था फॉरमोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो है जो किसी भी कल्चर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, पीपल के ऊपर स्टडी, ठीक है। इनका उनका फूड हैबिट क्या है, ट्रेड्स क्या है, ये सब जो स्टडी करता है वो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हेरोडोटस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। इन्होंने एक विविड पोर्ट्रेल प्रेजेंट किया था कल्चरल ट्रेड्स ऑफ पीपल, पीपल की कल्चरल ट्रेड्स के बारे में, जो ग्रीक में अननोन पीपल था उनके, वो सब पीपल के ऊपर इन्होंने कल्चरल ट्रेड दिया था, ठीक है। इसलिए इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने देखिए इटली, एशिया माइनर, पार्सियन एम्पायर, बेबीलोन, इजिप्ट एंड लीबिया, ये सब जो इम्पोर्टेंट एरिया है इन्होंने विजिट किया था। हेरोडोटस बेसिकली बिलोंग करता है पिथागोरियन स्कूल थॉट से, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एसिमेट्रिकल पोर्ट्रेल, जिसमें इन्होंने दिखाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सोर्सेस और सोर्सेस एंड डायरेक्शन ऑफ डेन्यूब एंड ईस्टर सॉरी डेन्यूब एंड नाइल रिवर। देखिए नाइल रिवर और डेन्यूब रिवर की जो सोर्सेस था, ठीक है, नदी का जो सोर्स रहता है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, ये उन्होंने एक जैसा, ठीक है, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंट किया था, पोर्ट्रेल किए थे इनकी मैप में, आप देख सकते हैं। ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इंटू थ्री कंटिनेंट्स, इन्होंने वर्ल्ड को तीन कंटिनेंट से डिवाइड किया था, फर्स्ट आपका यूरोप, सेकेंड लीबिया, थर्ड एशिया। इन्होंने एक मेरिडियन ड्रॉ किया था जो पास किया था माउथ ऑफ नाइल, नाइल रिवर की माउथ से, और डेल्टा ऑफ डेन्यूब, डेन्यूब रिवर की डेल्टा के ऊपर, ठीक है। दस ही वॉज द फर्स्ट हु ड्रिव द मेरिडियन इन द वर्ल्ड मैप, इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप के ऊपर एक जो है मेरिडियन ड्रॉ किया था। हेरोडोटस फर्स्ट स्कॉलर जो था जो जिसने कास्पियन सी को कुलोज सी बताया था, कुलोज सी, और इन्होंने बोला है इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, नाइल रिवर का गिफ्ट भी बोला था इसको इजिप्ट को हेरोडोटस ने। उस जहाँ पर इन्होंने एम्फसाइज किया था कि सील्ड एंड मल्ड जो था रिवर में डेल्टा डेवलपमेंट में मदद कर रहा था, ठीक है, इन्होंने ये एम्फसाइज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर भी एम्फेसिस किया है। आपको पता है देखिए पहले ही डिस्कस किया था इन्होंने कल्चर के ऊपर, पीपल के ऊपर में, ठीक है, पीपल ये सब के ऊपर भी स्टडी किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने काम किया है, प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्टेशन एंड रिवर मार्ड ये सब डेवलपमेंट ऑफ द डेल्टा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक रोड, रॉयल रोड के बारे में डिस्कस किया था, वो था सर्डिस से लेके सुसा तक, ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन जो था हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन था रीजनल फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। और इन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था बिटवीन द टेम्परेचर एंड द मूवमेंट ऑफ द विंड,
ओके, इन्होंने और एक चीज़ देखिए, कंसेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम, एक कंसेप्ट दिया था इन्होंने, बताया था कि विंड जो है कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेसेस की तरफ जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेसेस की तरफ जो है विंड मूवमेंट करता है, ये कंसेप्ट दिया था हेरोड्रस ने फर्स्ट टाइम। इन्होंने इंटीरियर अफ्रीका को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 लैटिट्यूडल जोन्स में, जोन्स से, और ये जोन देखिए, फर्स्ट जोन था जो था वो है मेडिटेरियन जोन, कोस्ट फ्रॉम एटलास माउंटेन्स टू नाइल डेल्टा। नंबर टू देखिए जोन ऑफ वाइल्ड बीस्ट लैंड ऑफ डेट्स, एंड थर्ड जोन देखिए द सहारा डिजर्ट। इन्होंने सहारा डिजर्ट में 5 ओएसिस को मेंशन किया था, ठीक है, जो था 10 डेज की इंटरवल में। देखिए यहाँ पर सहारा डिजर्ट में इन्होंने 5 जो है ओएसिस के बारे में बात किया था, डिस्कस किया था, एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस जाने में 10 डेज का डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये रहा इनका ओएसिस की जो है कंसेप्ट, 5 इन्होंने ओएसिस के बारे में बात किया था। अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट ऑफ माजिद बाई माजिद हुसैन का अगर ज्योग्राफिकल थॉट बुक पढ़ेंगे, उसमें अगर आप हेरोड्रस पढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट है ओएसिस के, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका हेरोड्रस का मैप, मैप में देख सकते हैं इन्होंने वर्ल्ड को 3 कंटिनेंट में डिवाइड किया था, यूरोप, लीबिया एंड एशिया, और इन्होंने डेन्यूब और नाइल रिवर का जो डायरेक्शन और सोर्सेज के बारे में बात किया था, यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा ड्रॉ है, आप देख सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स, ठीक है, हेरोडोटस का मेन देखिए की पॉइंट, देखिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, एक एथनोग्राफर भी है जो कल्चर और पीपल के ऊपर स्टडी करते हैं। इन्होंने ये एडवोकेट किया था कि हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली ट्रीट करना चाहिए और ज्योग्राफी को हिस्ट्रिकली ट्रीट करना चाहिए। इन्होंने मैप में, वर्ल्ड मैप पे मेरिडियन ड्रॉ किया था, कास्पियन सी को इनलैंड सी में सी बोला बोला था इसने, हेरोडोटस ने, इनलैंड सी और क्लोज सी, ओके। इन्होंने आर्क को फ्लैट डिस्क बताया, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल बताया, और इन्होंने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया था कि विंड जो है कोल्ड प्लेस से वाटर प्लेस की तरफ मूवमेंट करता है, मूव करता है। सो इतना ही फ्रेंड्स, इस लेक्चर को अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जनाइए, बताइए मुझे, ठीक है, उसमें ज़रूर हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू फॉर वॉचिंग।